इसके बाद श्रीलंका आने वाला है, मतलब हम यहाँ से अब श्रीलंका पहुँच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इंडिया के लास्ट रोड पे आ चुके हैं। मेरे बैक साइड से आप जो आप देख रहे हैं ये आगे फिर आगे श्रीलंका आता है और हम इस टाइम जो है इंडिया लास्ट रोड पे है। व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद सदाम से। मोहम्मद सदाम, ओह माई गॉड, आई एम फ्रॉम कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। हम इतने दिनों से कन्याकुमारी में थे और आज हम कन्याकुमारी से निकल रहे हैं। कन्याकुमारी का हमारा सफ़र जो है कंप्लीट होता है और अब हम चलते हैं पौंडीचेरी की ओर। आज का हमारा पौंडीचेरी का सफ़र बहुत लंबा है, ये ऑलमोस्ट 750 तक का जो है वो सफ़र होने वाला है क्योंकि हम धनुषकोड़ी पहले जाने वाले हैं। तो हम देखेंगे अगर हम पौंडीचेरी जो है वो हमने कवर कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं कर सकते तो बीच में हम रुक जाएंगे कहीं पे। लेकिन धनुषकोड़ी देखना ज़रूर है क्योंकि वो इंडिया का लास्ट रोड है। फिलहाल मॉर्निंग में मैं यहाँ पे जो है चाय पीने आया हूँ, चाय बन रही है और बाइक हमारी वहाँ पे, मैंने कोल्ड स्टार्ट के लिए, कोल्ड स्टार्ट क्या रखना यहाँ पे ऑलरेडी गर्मी ही है, तो पहले चाय पीते हैं उसके बाद आगे की तरफ चले जाते हैं। ये होटल है जहाँ मैं रुका था, होटल सन व्यू, तो इस जगह मैं रुका था और ये कुछ नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पे एक नन्ना सा बच्चा आया मेरे साथ। से हाय, से हाय टू दिस कैमरा, से हाय टू दिस कैमरा, बाय बाय। नन्ना सा बच्चा आया, बाइक देख के बोल रहा था कि यूट्यूबर हो क्या। बिस्मिल्लाह तवक्कलतुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो जी हमारा पौंडीचेरी का सफर यहाँ से शुरू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कन्याकुमारी भी हो गया और आज हम एक नया सफ़र करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। गर्मी बहुत ज़्यादा है उसका, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, हम ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं कर सकते, जो है वो है, हमें निभाना पड़ेगा और हमें सफ़र करना पड़ेगा, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कन्याकुमारी में गर्मी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, यह चिपचिपी गर्मी होती है। एक्चुअली मैंने सोचा था मैं मॉर्निंग में 5:30 पे सफ़र शुरू करूँगा क्योंकि उस टाइम धूप नहीं होती है ना और थोड़ा बहुत राइड करने में भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने एडिटिंग जो है वो रात के 2 बजे ख़त्म की। उसके बाद नींद आते आते 2:30 बज गए और फिर मैं कैसे उठता सुबह इतनी जल्दी, उठा मैं लेकिन फिर से सो गया फिर और 1-2 घंटे के लिए, और अब जाके मैंने 8:06 पे राइड शुरू की है। इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। पौंडीचेरी नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ते में किसी जगह रुक लेंगे, ज़रूरी नहीं है पौंडीचेरी ही पहुँचेंगे आज, पौंडीचेरी कल चले जाएँगे, आज आराम आराम से सफ़र को इन्जॉय करते करते जाना है। यहाँ से अब हम चढ़ने वाले हैं 4-लेन हाईवे पे। हाय हाय, बहुत दिनों बाद हाईवे देखने को मिला, लेकिन नज़ारा देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। विंड मिल्स यहाँ पे है, हाय 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 हाय, बहुत टाइम बाद ऐसा रोड मिला है, बहुत शायद 15 दिन बाद। केरला में तो ऐसे रोड्स है ही नहीं किसी जगह, बहुत अगर है भी बहुत कम पैच हैं, ज़्यादा पैच नहीं है, ऐसे नज़ारे कम कम जगहों पर देखने मिलते हैं। मैंने नॉनस्टॉप 111 किलोमीटर कर लिया, ये होता है हाईवे का फ़ायदा। और अभी हो रहा है 9:36, 8:06 पे हमने कंप्लीट किया था, तो काउंट करो 8:06 से 9:37 में 111 किलोमीटर, वो पर आवर कितने किलोमीटर्स होते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, फिर से सुन लो। 8:06 पे स्टार्ट किया, 9:37 पे 112 किलोमीटर हैं आप, तो ये 1 आवर में कितने किलोमीटर्स हुए काउंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब आगे जाके किसी जगह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैंने 111 पे बोला था कि मैं ब्रेक लूँगा, लेकिन 145 हो गए और मैंने अभी भी ब्रेक नहीं ले ली। 200 किलोमीटर्स विद नो ब्रेक, 201 किलोमीटर्स विद नो ब्रेक, अपने लिए नया रिकॉर्ड। नहीं वैसे मैंने 235 किया एक में। यहाँ पे रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। टेंपरेचर
10-15 मिनट्स के ब्रेक के बाद अभी हम वापस अपना सफर जो शुरू करते हैं। अभी बचे हैं 111 किलोमीटर्स धनुषकोडी तक, उसके बाद हमें आज फिर से जो है 400-500 किलोमीटर्स करने हैं। वो डिपेंड करता है अगर हिम्मत रही उतनी। फिलहाल 2 hours 9 मिनट्स का और सफ़र है, कोशिश करते हैं एक स्ट्रेच में इसको करने की, या तो बीच में किसी जगह रुक भी लेंगे। अभी मैं इस जगह पर रुका हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे गांव आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा हवा चल रही है ना पेड़ की वजह से, तभी मैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा रुक गया यहाँ पे। चलो अभी चलते हैं आगे की तरफ। हाँ, बाइक पे चढ़ते ही वापस हवा लगने लगती है ना, मज़ा आ जाता है। जैसे आप रुको पसीने से आप नहा लेते हो, फिर चाहे आपने सुबह कितना भी नहाया हो ये नहीं मानता, मतलब गर्मी। यहाँ पे आई विल हैव नारियल पानी फर्स्ट, देन आई विल गो फॉरवर्ड। ब्रेकफास्ट के बाद एक नारियल पानी ज़रूरी होना चाहिए। धनुषकोडी से 70 किलोमीटर्स आगे मतलब उससे पहले रुका हूँ और यहाँ पे एक नारियल पानी पीने के लिए। और ये एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पूरा विलेज लाइफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये पेड़ के नीचे, इतना बड़ा पेड़ और इसके नीचे नारियल पानी वाला, ये तो सोने पर सुहागा वाली बात है। कोकोनट वाटर पीने के बाद इंसान फ्रेश हो जाता है बिल्कुल, और इस कोकोनट में इतनी मलाई थी कि मेरा पेट भर गया, मेरा लंच हो गया, मैं पूरी मलाई खा ही नहीं पाया, ऐसे छोड़ दिया थी मलाई। ये आज तक का बेस्ट कोकोनट वाटर था। विदिन 25-20 मिनट्स हम एक आइलैंड पे होंगे जहाँ पे हम जाएंगे धनुषकोडी, इंडियाज लास्ट रोड। मेरे राइट साइड से भी समंदर है, लेफ्ट साइड से भी समंदर है, और हम बीच में चल रहे हैं। वाह, क्या एक्सपीरियंस है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। माय गॉड सुभान अल्लाह। ये देखो यहाँ से रेलवे ट्रैक है, पानी कितना ब्लू है, और ये ब्रिज है साथ में, और ट्रेन इस रेलवे ट्रैक से जाती है। दूर दूर तक बस समंदर दिखेगा, और उस साइड से भी नज़ारा बहुत खूबसूरत है, और इस साइड का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है। एक्सपीरियंस जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है, ये एक्सपीरियंस बहुत ही रेयर मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी मिल चुका है ये एक्सपीरियंस, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी हम चलते हैं धनुषकोडी की ओर। अभी हम राइड कर रहे हैं इंडियाज लास्ट रोड पे, इसके बाद कोई रोड नहीं है, धनुषकोडी बीच रोड है ये। इसके बाद श्रीलंका आने वाला है, मतलब हम यहाँ से अब श्रीलंका पहुँच जाएंगे। नहीं नहीं, मतलब श्रीलंका नहीं पहुँचेंगे, समंदर है बीच में, लेकिन हमने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये लास्ट है, वाह, ये हम इंडिया के पूरे एंड पे आ गए हैं। इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये सर्कल है वापस मुड़ने का, इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये फाइनल है। वाह, वी डिड इट, हमने कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इंडिया के लास्ट रोड पे आ चुके हैं। मेरे बैक साइड से आप जो आप देख रहे हैं ये आगे, फिर आगे श्रीलंका आता है, और हम इस टाइम जो है
इंडिया लास्ट रोड पे है, इसके आगे कोई रोड नहीं है। आई एम सो हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से बस सी कुछ भी नहीं, ओनली सी। इस साइड से है जी श्रीलंका, लेकिन ऐसे दिखेगा नहीं, अभी रात में दिखता है ज़्यादातर। तो यह है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद मेमोरियल। यहाँ पे फोन्स कैमरास कुछ भी अलाउड नहीं है, उनके आप मोबाइल भी अंदर नहीं ले सकते। पहले हम लंच करते हैं यहाँ पे, 3:21, 3:24 ऑलरेडी हो चुके हैं। How are you guys? You know Hindi or English something? Tamil. Only Tamil. Ille. No Tamil. Tamil diriyada varu. Selfie. Channel vechirkilo. Channel. Ha. Adichu pore. What's your name? Mohammed Saddam se. Mohammed Saddam. Oh my god. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. My God. Sabiq Ahmed. Sabiq Ahmed. You have beautiful names. What's your name? My name is Idris. Idris. You are from Kerala. Kerala. No. I'm from Kashmir. Kashmir. No. Yara. Yara. I'll put it. Let's go. What's your name? अल्हम्दुलिल्लाह मैं रूम पे आ गया हूँ। आज की रात हम त्रिची में स्पेंड करेंगे। मैं होटल पहुँच गया हूँ और मैंने डिनर भी कर लिया है, मैं फ्रेश भी हो चुका हूँ। अब इस व्लॉग को एडिट करना है। इंशाल्लाह कल हम पांडिचेरी की ओर चले जाएंगे और कल का दिन हम पांडिचेरी में स्पेंड करेंगे। आगे आपको सफ़र का पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और आगे क्या प्लान्स हैं हमारे। इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको किसी भी रीजन से आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ।